तो खास खबर में सबसे पहले बात करते हैं पटना में जेडीयू के सभी प्रकोष्ठ अध्यक्षों की हुई बैठक की। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कामों की समीक्षा की। बैठक के बाद ललन सिंह ने कहा कि सभी से फीडबैक लिया गया, एकजुट होकर काम करेंगे तभी सफलता मिलेगी। सभी प्रकोष्ठों में समन्वय की जरूरत है, साथ ही 2010 के प्रदर्शन का भी उन्होंने जिक्र किया। साथ ही आपको बता दें कि अब जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सभी प्रकोष्ठ काम करेगा। प्रदेश पदाधिकारी को जिला का प्रभार दिया गया। जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में बड़ी फेरबदल हुई है। नवीन आर्या को उपाध्यक्ष, मृत्युंजय कुमार को महासचिव, वासुदेव कुशवाहा और मनीष कुमार सचिव बनाए गए हैं। लोकसभा प्रभारी का पद जेडीयू ने समाप्त किया है। तो आज प्रकोष्ठ की जो बैठक है वो हुई और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से जो प्रकोष्ठ की बैठक है वो हुई और कई जो दिशा निर्देश है वो दिए गए। साथ ही इससे पहले लगातार चर्चा हो रही थी कि जो मूल्यांकन है वो किया जाएगा, किस तरीके से जो प्रकोष्ठ है वो काम कर रहे हैं, कहां पर खामियां नजर आ रही है और इन तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने की जो कवायद है उसमें जेडीयू जुटी हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने ललन सिंह, उसके बाद से उम्मीदें जताई जा रही थी कई सांगठनिक जो फेरबदल हैं वो उनके स्तर से किए जाएंगे। और उमेश कुशवाहा ने भी इस बात को लेकर के जिक्र किया है कि कई जो सांगठनिक बदलाव है वो किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो जिला अध्यक्ष होंगे उनकी अब जो मॉनिटरिंग है वो ज्यादा हो सकेगी, क्योंकि प्रकोष्ठ से अगर काम ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा तो उसका मूल्यांकन जो जिला अध्यक्ष वो करेंगे। तो तमाम जो फेरबदल है वो किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि कई जो पद हैं उसको समाप्त कर दिए गए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो बैठक है वो आज हुई है और एक नई जो दिशा देने की कोशिश है वो की गई है। साथ ही आपको बता दें कि ललन सिंह ने 2010 के परफॉर्मेंस का भी जिक्र किया। चलिए इस पूरी खबर पर ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है इस बैठक के बाद। प्रकोष्ठ के सभी प्रदेश के अध्यक्षों के साथ आज चर्चा हुई है और सभी प्रकोष्ठ के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने अपने प्रकोष्ठों के द्वारा की गई जो कार्रवाई है अब तक का जो उन्होंने संगठनात्मक ढांचा तैयार किया है उन सब के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया, सबों की बात सुनी गई और अंत में यह निर्णय हुआ है कि प्रकोष्ठ कोई संप्रदाय जो हमारी पार्टी का मूल संगठन है, जिला का संगठन, उसके समन्वय के साथ प्रकोष्ठ का जो जिला का यूनिट है वो पूर्ण उसके समन्वय के साथ काम करता है। चलिए अब सीधे चलते हैं ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा जी के पास। अशोक जी, आज जेडीयू के सभी प्रकोष्ठ अध्यक्षों की बैठक हुई और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से जो ललन सिंह है वो अलग तेवर में नजर आ रहे हैं, किस तरीके से जो नई दिशा है वो जेडीयू की तय होगी? बिल्कुल, देखिए ललन सिंह ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब से पदभार ग्रहण किया है बिल्कुल नए तेवर में हैं। आज उसका संकेत भी जदयू की जो बैठक थी उसमें देखने को मिला है और जदयू के सभी प्रकोष्ठों की बैठक थी और इसके पहले जो प्रकोष्ठ थे वो अपने अलग तरीके से काम कर रहे थे, यानी कि सभी प्रकोष्ठों के जो अध्यक्ष थे या जो पदाधिकारी थे वो जिला में भी अपने प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और पदाधिकारी की नियुक्ति करते थे और फिर वो सीधे अपने प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों से सीधा संवाद उनका रहता था। लेकिन आज ललन सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं या पार्टी के पदाधिकारी हैं वो पार्टी का जो मूल अध्यक्ष है यानी कि जो जिला अध्यक्ष हैं उन्हीं के मातहत वो होंगे और वो अपना अलग कोई कार्यक्रम या अपना अलग कोई जो है सो राजनीति नहीं करेंगे, यानी कि पार्टी के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से उन्हें पालन करना पड़ेगा और जिला अध्यक्ष को रिपोर्ट करनी पड़ेगी और उन सब के एक तरह से कहिए कि संगठन के अध्यक्ष के रूप में जिला अध्यक्ष ही रहेंगे। तो एक यह कह सकते हैं कि पार्टी में इससे अनुशासन भी बरकरार रहेगा और दूसरी तरफ जिलाध्यक्ष अपने सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षों और पदाधिकारियों को भी साथ लेकर के चलेंगे तो इस में स्थिति में पार्टी की स्थिति मजबूत होगी। तो ललन सिंह ने यह संकेत दे दिया कि पार्टी की जो मूल आत्मा है, जो उसकी मूल धारा है, उसके साथ ही रह करके पार्टी संगठन को मजबूत किया जा सकता है और कोई प्रकोष्ठ अलग अलग अपनी राजनीति नहीं कर सकते हैं। नंबर दूसरा, उन्होंने जो फेरबदल किया है, आपको पता है
कि दो चार दिन पहले ही, दो तीन दिन पहले ही जदयू के टेक्निकल सेल के जो अध्यक्ष थे अमरदीप, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ऐसी परिस्थिति में अब पार्टी को नए रूप में लाने के लिए ललन सिंह ने फिर कवायद शुरू की है और नवीन आर्या जो पार्टी के उपाध्यक्ष थे उनको पार्टी मुख्यालय की जवाबदेही दी गई है। इसके अलावा पार्टी में पहले अनिल सिंह महासचिव हुआ करते थे जो पार्टी मुख्यालय को देखते थे, लेकिन अब उसमें भी फिर बदल की गई है। और ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी को नंबर वन बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक साथ मिल करके काम करना होगा, और यह संकेत भी उन्होंने दिया है। और आज जो जदयू की ओर से जो सूची जारी की गई है तो अब हर जिला के लिए दो प्रभारियों की नियुक्ति की गई है, तो और हर प्रभारी को जवाबदेही दी गई है और उन्हें कहा गया है कि पार्टी का जो कार्यकलाप है वो जिलों का दौरा करके और उस कार्यकलाप में वो शामिल हों और वो पार्टी संगठन को मजबूत बनाए। तो एक तरह से कहिए कि जदयू को नई आकृति देने, उसका कायाकल्प करने और उसको बूथ स्तर तक ले जाने के लिए ललन सिंह ने कवायद शुरू की है और उसका उसकी एक झलक आज से देखने को मिल रही है। ललन सिंह ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है या यहाँ कोई नौकरी नहीं करते हैं कि इसको डांट और फटकार किया जाए, लेकिन हाँ ये बातें हैं कि पार्टी की मजबूती के लिए, पार्टी की जो रणनीति है, पार्टी का जो दिशा निर्देश है उसका अनुपालन करना जरूरी है। जी अशोक जी, एक बात की और चर्चा कहीं ना कहीं सामने आ रही है कि जिस तरीके से आरसीपी सिंह के साथ जो जुड़े हुए कुछ लोग हैं और जिस तरीके से सांगठनिक फेरबदल किया जा रहा है, क्या लगता है कि जो कोऑर्डिनेशन है वो ललन सिंह बिठाने में कामयाब होंगे या फिर किसी तरीके से जो अंदरूनी दिक्कतें हैं वो नहीं आएंगी? पार्टी का अध्यक्ष होता है या टीम का कप्तान होता है तो वो अपने अनुरूप ही टीम का गठन करता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आरसीपी सिंह भी जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को बनाया और पार्टी के जो विभिन्न सेल थे उस सेलों के अध्यक्ष बनाए गए और पार्टी संगठन में लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई, तो ऐसा होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतना तय है कि ललन सिंह ने यह संकेत साफ तौर पर दे दिया है जो हम बार बार बोल रहे हैं कि अब पार्टी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष का अधिकार स्वतंत्र नहीं होगा, यानी कि वो मूल पार्टी के साथ ही कदम से कदम मिला करके चलेंगे। या उन्होंने जो संकेत दिया उसे साफ जाहिर है कि जिला अध्यक्ष ही पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के भी एक तरह से गार्जियन होंगे, अध्यक्ष होंगे। जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर ही पार्टी का प्रकोष्ठ का गठन होता है, विभिन्न सेलों का गठन होता है, ठीक उसी तरह से जिला अध्यक्ष के निर्देश पर ही पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के जो पदाधिकारी होंगे वो नियुक्त होंगे और वो साथ साथ चलेंगे। तो पार्टी को एक नई धार देने के लिए ललन सिंह ने ये कदम उठाया है और जो भी लोग पार्टी में हैं, ऐसा नहीं है कि जिन्होंने जो आरसीपी सिंह के समर्थक हैं उनको पार्टी की मुख्य धारा से अलग कर दिया गया है। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि नई जिम्मेदारी कुछ लोगों को दी गई है और वो जिम्मेदारी का मुख्य उद्देश्य यह है कि पार्टी को मजबूती प्रदान करना, जैसा कि ललन सिंह बार बार बोल रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अशोक जी। तो आज काफ़ी महत्वपूर्ण जो बैठक है वो प्रकोष्ठ अध्यक्षों की हुई और ललन सिंह आज अलग अंदाज, अलग तेवर में नजर आए और उनका साफ तौर से कहना था कि अनुशासनहीनता कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पार्टी की सांगठनिक मजबूती के लिए कई जो बड़े फेरबदल हैं वो भी किए गए हैं।